ये छोटी मटकियों में रखा हुआ जो हमारे घर का सामान है, ये किस तरह आपको गैस और एसिडिटी से राहत दिलाएगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेंगे जिससे आप घर बैठे अपने चिकित्सक खुद बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि आखिर एसिडिटी का कारण क्या है। तो हमारे स्टमक और हमारे चेस्ट के बीच एक वॉल्व होता है जो सेपरेट करता है पेट को छाती से। किसी कारण से क्या होता है, वो वॉल्व की ढक्कन जो है वो इस तरह से हो जाती है आपके गलत खान पान से कि जब आप खाना खाते हैं तो वो वॉल्व बंद हो जाती है, लेकिन गलत खान पान से जब उसमें से ज़्यादा गैस बनने शुरू हो जाती है तो वॉल्व अपने आप खुल जाता है और वो गैस जो है आपके ऊपर की तरफ उठता हुआ ये डायफ्राम को क्रॉस कर जाता है और आपकी छाती में फिर वो जलन पैदा शुरू हो जाती है, आपके खट्टी डकारें आती है ना, पेट में दर्द आने लग जाता है। तो सबसे पहले आप अत्यधिक चिंता करना छोड़ दें, दैट इज द मेन रीजन ऑफ एसिडिटी। आप गुस्सा करते हैं या आप अत्यधिक तनाव में रहते हैं या फिर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वो एसिडिटी का सबसे मेन कारण है। और आज के टाइम में जो गलत खान पान है आपका, वो गलत खान पान भी आपको एसिडिटी की तरफ ले जा रहा है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं जिसको हम इंक्लूड करेंगे, आप अपने घर पे खुद चेक करेंगे और खुद आप अपना इलाज करेंगे। तो नाभि है हमारा सेंटर पॉइंट जहाँ से पूरी बॉडी को जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो नाभि से जस्ट आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच नीचे की तरफ और आप अपने 3 फिंगर को यहां लगाएंगे और 3 फिंगर से आप इस तरह जो है क्लॉकवाइज रोटेशन देते जाएंगे। ड्राई कुछ नहीं करना है आपने, ड्राई रोटेशन आपका इस तरह से चलता चला जाएगा 2 से 3 मिनट। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हुए, ऊपर ऊपर नहीं डालना है, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है। एक मास्टर पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरे मास्टर पॉइंट पे अगर हम आए तो नाभि से अप्रोक्सीमेटली 4 इंच ऊपर की तरफ हम जाएंगे। 4 इंच ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट हमारे अप्रोक्सीमेटली यहां पर मिलेगा इस रीजन पे। यहां फिर वही 3 फिंगर आपने रखना है और क्लॉकवाइज प्रेशर डालते हुए फिर से आप इसको मालिश करते चले जाएंगे। जिस बंदे को एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी उसे बहुत ज्यादा पेन होगा और अनबेरेबल पेन होगा, लेकिन इससे तुरंत ही उसको राहत मिल जाएगा। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आए तो तीसरा पॉइंट हमारा इस नाभि से जस्ट नीचे की तरफ, जो नाभि का एंड पॉइंट है, इससे यहाँ पे अब करीब करीब हम 3 अंगुल नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये हड्डी के इधर बाहर की तरफ आपको आना है, फिर उस 3 अंगुल का लेंगे और डीप मसाज इस तरह से करेंगे ताकि नीचे की तरफ आपको प्रेशर पॉइंट जो है वो अप्लाई होता चला जाएगा। ये तीसरा पॉइंट आपने इंक्लूड कर लिया। चौथा पॉइंट अगर हम लें तो अब पैर के अंदर की तरफ जाएंगे और ये जो टखने जिसको एंकल आप कहते हैं, एंकल से जो है अप्रोक्सी मेटली 4 अंगुल ऊपर की तरफ आप इस जगह पे आएंगे और यहां पे आप अपने अंगूठे से या फिर अपनी उंगली से मसाज देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपका तरीका हो जाएगा एसिडिटी को दूर करने का। तो फिर से आपको रिमाइंड करा दें, एक पॉइंट हमारा ये रहा टखने से 4 अंगुल ऊपर, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा घुटने से बाहर की तरफ को, इस बाहरी घुटने से 3 अंगुल नीचे की तरफ अप्रोक्सीमेटली, तीसरा पॉइंट आपका नाभि चक्र से जस्ट 1.5 इंच नीचे की तरफ, चौथा पॉइंट आपका नाभि चक्र से 4 इंच ऊपर की तरफ। ये 4 पॉइंट पे अगर आप रोजाना हर पॉइंट पे 1 से 1.5 मिनट की मसाज देंगे आप एसिडिटी से छुटकारा पा लेंगे। अब कुछ घरेलू चीज़ें जिसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो घरेलू चीज़ों में हमने ये लिया है, सबसे पहले ये हमारे पास लौंग है, छोटे छोटे लौंग जो हर किचन में मिल जाता है हमें आसानी से। इस लौंग को क्या करना है, रोज 1-2 लौंग आप अपने मुंह में रखें, सिर्फ उसको चबाते रहें, कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 लौंग को सिंपल आप मुंह में रख के चबाएंगे, इसे खाना नहीं है, सिर्फ चबाना है रख के। आपने रख लिया और दिन भर उसको आप लेते रहें। दूसरी चीज हमारे पास आ गई, ये तुलसी जो कि पृथ्वी पर एक अमृत के रूप में हमें तुलसी है। इस तुलसी को क्या करना है, आपने काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना है, पानी में उबाल के इसको काढ़े की तरह पीना है। सबसे अच्छा जो आपके कारगर उपाय है ये है आपका मुरमुरे। ये खील या मुरमुरे या मूढ़ी, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ये मुरमुरे है। इस मुरमुरे की क्या करनी है, 3 मुट्ठी, इस तरह से ये आपकी 1 मुट्ठी हो गई, अपनी मुट्ठियों से सबको 3 मुट्ठी मुरमुरे सुबह उठकर खाली पेट बिना ब्रश किए, इसको 3 मुट्ठी मुरमुरे को बिना कुछ इसमें मिलाए आपको ये खाली पेट खा लेना है। इसके 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपने ना तो पानी पीनी है और ना ही आपने कुछ खाना खाना है। तो ये आपको सबसे अच्छा निजात दिलाएगा अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू मुरमुरे खा लिया। तो कितना भी पुराना एसिडिटी हो, 20 साल 25 साल पुराना, आप सर्दियाँ इससे निजात पा लेंगे। थोड़े थोड़े से चीज़ों का परहेज पता ही है आपने कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, रात को तुरंत खा के बिस्तर पे नहीं जाना है और तुरंत दोपहर को खाना खाने के बाद आपने लेटना नहीं है, कुछ ना कुछ वॉक करते रहना है या खड़े रहना है। मैं लीना श्रीज्ञान
नेचुरोपैथी एंड हॉलिस्टिक हीलर एक्सपर्ट नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस के दिए गए इन नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।